कि आप क्या चाहते हो। आप गरीबी में बसर करना चाहते हो, अंधेरे में बसर करना चाहते हो, अंधा अंधे ठेलिया, वो आपने सुना होगा, अंधा अंधे को धकेल रहा है। तो हमारी सोसाइटी में यही है। हम विवेकानंद परेशान हो गए थे, वो बोलते थे मुझे 100 लोग दे दो मेरे जैसे, 1883 में वो गए थे शिकागो, उससे पहले की बात है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो हमारे पड़ोस के वहीं केतरी हम रियासत के वहीं के रहने वाले हैं, तो वहाँ के महाराज ने उनको प्रायोजित किया, बोले आप जाओ, अब आपको नहीं मिलना है यहाँ, कुछ आपकी दाल नहीं गलने वाली, आप जाओ, इस शिकागो में सम्मेलन हो रहा है, मेरे दोस्त लोग आपको मदद कर देंगे, आप जाओ, मैं आपको प्रायोजक करता हूँ, आपका रहना खाना खर्चा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो केतरी महाराज ने उनको प्रायोजक करके बाहर भेज दिया, बाहर भेज दिया, और शिकागो में जाके उन्होंने वो दिया भाषण, तो हमारे लिए हीरो हो गए। और वो जो 5-10 साल जो वो घूमे थे इंडिया, उसमें हमने उनको कुछ नहीं माना था, सिर्फ वो कहाँ रुकते थे, बड़े बड़े राजे महाराजाओं के पास रुकते थे, बड़े बड़े जागीरदारों के पास रुकते थे, पैसे वालों के यहाँ रुकते थे, क्योंकि पैसे वाला इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पावरफुल आदमी इन्फ्लुएंशियल आदमी है, गरीब के घर में रुकोगे वो क्या इन्फ्लुएंस करेगा। एक गरीब अपने पड़ोसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो ऐसे डिसीजन लेता है कि वो गरीब ही बना रहता है। तो विवेकानंद ऐसे लोगों के यहाँ रुकते थे जहां से वो जो रिसोर्सफुल लोग थे। गरीबी और अमीरी का मतलब क्या होता है, एक रिसोर्सफुल आदमी है, एक इसके पास रिसोर्स ही नहीं है, ये मतलब है। गलत डिसीजन ले रहा है एक, एक बिल्कुल सही डिसीजन ले रहा है, इसलिए वो अमीर है और ये गरीब है।